पतंजलि ने ये वर्ल्ड बॉटनिकल डिक्शनरी बनाई है और ये बताएंगे। हाँ हाँ हाँ, पहले आप अपने बारे में बताइए। डॉक्टर उदय भार प्रजापति। उदय, डॉक्टर उदय पिछले 8 वर्षों से कार्य कर रहा हूँ। अच्छा। ये जो वर्ल्ड बॉटनिकल डिक्शनरी है 5 वर्णों में, इसकी खासियत ये है कि किसी भी पौधे का जो नाम रखा जाता है वो नाम क्यों रखा जाता है, इसकी स्टडी को हम एटमोलॉजी बोलते हैं। तो हमने पूरी इंडिया के जितने पौधे पाए जाते हैं करीब करीब 15 लाख नामों को एक प्लेटफॉर्म पर कलेक्ट किया, फिर उनके अंदर जो रिपीटिशन था वो हटा करके अब ये हुए 5 वर्णों में 75,000 प्लांट नेम के बोटेनिकल नेम दिए, उनके एटमोलॉजी दिया। तो इस पुस्तक में सबसे अच्छी बात ये है कि एक तो एटमोलॉजी क्या होती है उसके बारे में, किसके आधार पे रखी जाती है, जैसे देखिए है ना, नेम ऑफ द ऑनर किसी को दे दिया गया, किसी के मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पे दे दिया गया, कई माइथोलॉजी पे दे दिया गया, ऐसे सारे पौधों के कलेक्शन हुए। फिर साथ साथ जो बोटेनिकल टर्म प्रयोग होते हैं उनका फोनेटिक्स और उनका मीनिंग हिंदी, और वैसे ही लाइन डायग्राम प्लांट आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करते हैं। हाँ जी। और उसके बाद जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है, आप ये देखो, किसी भी पौधे का नाम जो रखा जाता है वो उसके पीछे कारण क्या है वो चीज़ हम लोगों ने यहाँ प्रेजेंट किया। जैसे अर्टिया, एक तो उसका प्रोनाउंसिएशन है, फिर उसके बाद जो है वो नाम क्यों रखा गया, डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड एक्रॉस मीन्स एपियर द नॉर्थ करके, और साथ साथ उसका ट्रांसलेशन, और ये जो नंबर दिख रहे हैं दैट इज द रेफरेंस, यानी यहाँ पे लिखी हुई एक भी लाइन ऐसी नहीं है जिसमें कोई रेफरेंस नहीं हो। और इस पुस्तक को लिखने के लिए करीब करीब हम लोगों ने 900 से अबव रेफरेंसेस किए। तो ये जो पूरा था ये कम्प्लीटली 5 वर्ष प्रोजेक्ट का आपका वॉल्यूम 1, और कितने वॉल्यूम है इसके? 5 वॉल्यूम में, बाकी अंडर पाइपलाइन है। और ये साथ साथ पैरेलली हम उसको डिजिटल भी करते हैं। अब जैसे आप ये देखो, ये आपका डिजिटल डाटा मॉनिटरिंग है, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी भविष्य में जाएगा, जिसमें हम सारे स्पेसीज और जीनस के नाम, सपोज कीजिए बहुत सारे कॉमन नेम आप जानते होंगे इसमें, बड़े इजी गोइंग, जैसे मैंगी फेरा इंडिका आप सभी लोग जानते होंगे, तो मैंगी फेरा का जो नाम है कि डिराइव फ्रॉम मलयालम एंड तमिल नेम, मतलब इस नाम की उत्पत्ति मलयालम हिंदी में, तो ये तरह से इसका पूरा एटमोलॉजी, उसका प्रोनाउंसिएशन, और यहाँ पे जो पुस्तक में हमने नंबर के फॉर्म में दिया है यहाँ डायरेक्ट रेफरेंस आपका दिया है। तो ये पूरा एक इंडिजीनियस सॉफ्टवेयर डेवलप करके हम लोगों ने इन सारे नामों को, और आप ये देखो टोटल प्लांट की लिस्ट जो अभी तक हम लोगों ने इसमें मेंशन की है पूरी दुनिया की, ये संख्या आपकी है 13,16,347 नामों को हम लोगों ने यहाँ पे इनकॉर्पोरेट किया हुआ है। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन हमें किस साइट पे मिलेगी? ये साइट तो बाद में हम अभी लॉन्च करेंगे, लेकिन अभी हमारे पास ये अपने डाटा पुस्तक के रूप में अवेलेबल है। तो ये पुस्तक आपकी ऑनलाइन पे है? हाँ, ऑनलाइन है, आप अपने लाइब्रेरी को रिकमेंड कर सकती हैं। अच्छा। और ये कई अर्थों में महत्वपूर्ण है, एक तो प्लांट का नाम, साथ साथ क्यों नाम रखे गए, और भविष्य में होने वाले अगर और नाम रखना आप चाह रहे हो तो उसका एक आधार का कार्य करता है, और साथ साथ हिंदी भाषा को भी समृद्ध कर रहा है। बहुत बड़ी बात है, ये हिंदुस्तान के ही प्लांट के नाम बाहर वालों ने रखे हैं। हिंदुस्तानी नहीं नहीं नहीं, मैं बता रही हूँ, हिंदुस्तान में ये हमारा दुर्भाग्य भी है कि हम लोग अपने ही पौधों को बाहर के नामों से जानते हैं। उस दिशा में हमारी टीम पूरा एक प्रयास कर रही है वैदिक टैक्सोनॉमी के रूप में,